हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। NDTN क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ देखने वाले हैं, जो स्नेल्स लॉ करके एक नियम है, बराबर। तो ये नियम है हम देखने वाले हैं, ये स्नेल्स लॉ है, कैसे काम करता है। और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग अगर आप फील्ड में करते हैं तो ये आपको कैसे यूज होगा, और प्रोब जो आप यूज़ करते हैं उसमें ये स्नेल्स लॉ जो है वो कैसे काम आता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, उसमें बेसिक इसका प्रिंसिपल जो है वो पाइजो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, बराबर। तो ये प्रोसेस के बेसिस पे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है वो वर्क करता है। तो पाइजो इलेक्ट्रिक प्रोसेस है वो इनिशिएट करने के लिए हम क्रिस्टल या प्रोब का यूज़ करते हैं, बराबर। जिसको आप बेसिकली कई बार प्रोब या क्रिस्टल बोलते हैं, और कई बार बुक में आपने पढ़ा होगा तो ये इसको ट्रांसड्यूसर भी बोला जाता है, बराबर। पर मोस्टली प्रोब वर्ड है इसका आप यूज़ ज़्यादा करते हैं, ये प्रोब वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो प्रोब आपने देखा हो तो प्रोब जो है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी और उसका डायामीटर वगैरह सब लिखा रहता है। तो प्रोब जो है वो कैसे काम करता है ये हम पहले देखेंगे। तो इसमें सपोज ये आपका स्पेसिमेन है और यहाँ पे आपने प्रोब लगाया हुआ है, तो प्रोब में से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स आएगा वो ऐसे जॉब में स्प्रेड होके ऐसे जॉब में ट्रांसफर होगा। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, बराबर। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल ऐसे प्रोब वर्क करता है। तो रिफ्रैक्शन जो वर्ड है ये पहले समझने की ज़रूरत है। तो सपोज यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा मीडियम है, बराबर। ये एक मीडियम है, सपोज ये मीडियम नंबर वन में बोलता हूँ और इसको मीडियम नंबर टू बोलता हूँ। मीडियम मतलब कि कोई वहाँ पे सरफेस है, जैसे कि मैं यहाँ पे गिन लेता हूँ, ये आपका प्लास्टिक का सरफेस है और ये आपका स्टील का है सरफेस। मतलब कि मीडियम वन जो आपका है वो प्लास्टिक का है, मीडियम टू जो है वो स्टील का है। तो सपोज अल्ट्रासोनिक वेव है वो प्लास्टिक में से स्टील में अंदर की साइड जाएगा, इसको आप रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी है कि वेव जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, बराबर। यहाँ से वेव जो है वो ऐसे अंदर भी जा सकता है। तो ये प्लास्टिक में ही अगर वो वेव ऊपर की साइड जाएगा, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और वेव जो अगर स्टील के अंदर की साइड जाएगा, स्टील में जाएगा, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऐसा दो वर्ड है। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की स्पेशली बात करें तो ये रिफ्रैक्शन जो टर्म है ये इसमें यूज होगा, क्योंकि आपको वेव जो है ऐसे अंदर भेजना है, आपका क्रिस्टल में से वेव, अल्ट्रासोनिक वेव जो भी प्रोड्यूस होता है वो आपको वाइब्रेशन है वो अंदर स्टील में भेजना है। तो ऐसे करके ये रिफ्रैक्शन वर्ड है, इसके लिए हम स्नेल लॉ का यूज़ करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। जैसे फिर से मैं यहाँ पे दो मीडियम ड्रॉ करता हूँ, जैसे यहाँ पे मीडियम नंबर वन है और यहाँ पे मीडियम नंबर टू है। तो स्नेल्स लॉ है इसका, मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ये ऐसे है, साइन थीटा वन अपन साइन थीटा टू इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू, ऐसा करके इसका फॉर्मूला है। तो ये कैसे वर्क करता है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सपोज यहाँ से वेव जो है
इंसिडेंट होता है, इसको इंसिडेंट वेव बोलते हैं, इंसिडेंट वेव, बराबर। इंसिडेंट होता है तो इसमें से हमने आगे देखा कि कुछ एनर्जी है यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और कुछ एनर्जी है यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला जो है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं, खाली रिफ्रैक्शन वाला देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज ऐसे करके रिफ्रैक्शन हुआ है ये, बराबर। अभी मीडियम अलग हो जाएगा तो यहाँ पे एंगल कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे इमेजिनरी लाइन मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है इसको मैं थीटा वन गिनता हूँ, जो कि इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। और यहाँ पे नीचे जो एंगल बनता है ये इसको मैं थीटा टू करके बोलता हूँ, इसको और रिफ्रैक्टेड एंगल ऐसा बोला जाता है। ये आपका नीचे का वेव है, इसको रिफ्रैक्टेड वेव ऐसा बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड वेव। तो थीटा वन जो आपका हुआ, थीटा वन जो आपका हुआ उसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और थीटा टू जो आपका हुआ वो रिफ्रैक्टेड एंगल। अभी यहाँ पे स्नेल्स लॉ ऐसा बोलता है कि साइन थीटा वन अपन साइन थीटा टू आप करोगे तो आपको दोनों मीडियम में जो वेलोसिटी है, ये साइन थीटा वन बाई साइन थीटा टू करोगे तो दोनों मीडियम में अल्ट्रासोनिक वेव का जो वेलोसिटी है वो आपको पहले इसके लिए देखना पड़ेगा। तो मीडियम वन में सपोज वेलोसिटी है वो मैं वी वन बोलता हूँ और मीडियम टू में वी टू बोलता हूँ, बराबर। ये जो वेलोसिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेबल में से आपका लेवल टू की बुक होगी या फिर इंटरनेट से भी मिल जाएगी। अल्ट्रासोनिक वेव की वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ये दोनों वेलोसिटी आप रखोगे तो इसमें से क्या मिलेगा, सपोज आपके पास मीडियम वन में थीटा वन आपके पास अवेलेबल है तो वी वन और वी टू जो है आपको रेडीमेड मिल जाएगा। आपको थीटा टू अगर ढूंढना है तो थीटा टू क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव के लिए एंगल है, मतलब कि आपका जॉब जो है वो स्टील का रहेगा। मीडियम टू है सपोज स्टील का है, स्टील में आप यूटी कर रहे हैं तो उसमें जो आपको एंगल कितना बनाएगा आपका प्रोब वो आपको ढूंढना है थीटा टू, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास दो मीडियम है और मीडियम जो है मीडियम वन जो है वो मीडियम वन जो है हमारा वो वाटर है सपोज, और मीडियम टू जो है वो स्टील का है, बराबर। तो वाटर के लिए आप वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी जो है वो वी वन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो 1.49 किलोमीटर पर सेकंड है, और मीडियम टू मतलब स्टील के लिए वेलोसिटी आप वी टू अगर देखेंगे तो 5.85 किलोमीटर पर सेकंड है। तो अभी इसमें आगे देखते हैं, सपोज हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमको थीटा वन सपोज दिया हुआ है, वो थीटा वन पकड़ के चलिए कि 10 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मीडियम वन जो है और यहाँ पे मीडियम टू है, तो मीडियम वन जो है हमारा वाटर है और मीडियम टू है वो स्टील का है। तो यहाँ पे जो वेव है इंसिडेंट वेव है
इसका जो वर्टिकल लाइन के साथ एंगल है वो 10 डिग्री दिया हुआ है। ये जो एंगल है आपका थीटा 1 है जो कि 10 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव है वो दूसरे मीडियम में ऐसे ट्रैवल करता है, तो वर्टिकल लाइन के साथ एंगल जो बनता है वो थीटा 2 है, वो हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हैं तो ऐसे लगाएंगे साइन थीटा 1 अपन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू वी 1 बाई वी 2। तो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और मैं पहले से ही आपको बता देता हूं, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 वी 2 बाई वी 1 ऐसा करके। और इसमें से आप साइन थीटा 1 का वैल्यू वी 2 वी 1 सबका वैल्यू रखेंगे जो यहाँ पे सब दिया हुआ है, ये तीनों वैल्यू सब रखेंगे तो फाइनली थीटा 2 जो आपको है वो आपको 42 डिग्री आसपास मिलेगा, 42 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर टू स्टील का मीडियम है दो, और उसमें मीडियम 1 में जो आपका एंगल जो है वो 10 डिग्री है, मतलब कि वाटर में इंसिडेंट एंगल जो आपका है वो 10 डिग्री है, तो आपको स्टील में जो एंगल मिलेगा वो 42 डिग्री आसपास मिलेगा। तो एग्जैक्टली आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो लॉ है इसको स्नेल्स लॉ ऐसा बोलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।